तो हेलो गाइस, तो गाइस जैसे कि यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है उसके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड करना होता है, उसी तरह यूट्यूब चैनल को भी परफेक्ट बनाना होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है आपका चैनल में अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड करेगी अपना चैनल ग्रो हो जाएगा, उसका साथ में आपका चैनल भी प्रोफेशनल अट्रैक्टिव लगना चाहिए। तो उसके लिए चैनल में हम लोगों को बेसिकली जो लोगो होता है, बैनर होता है, वो सारा कुछ सही से बढ़िया तरीके से क्रिएट करना होता है। तो आज इसी वीडियो में कैसे आप अपना चैनल के लिए एक प्रोफेशनल बैनर क्रिएट कर सकते हो, वो भी इजी मेथड जैसा आप लोगों को दिखाने वाला हूँ उसी तरह फॉलो करके आप खुद से अपना स्मार्टफोन में क्रिएट कर सकते हो प्रोफेशनल बैनर अपने चैनल के लिए, आपका चैनल को भी प्रोफेशनल बना सकते हो। मुझे जहां तक पता है काफी ऐसे क्रिएटर अभी भी होंगे जिनका चैनल पर देखना बर्नर नहीं है, या बर्नर अगर है भी तो अट्रैक्टिव या प्रोफेशनल बर्नर नहीं है। तो अगर आप लोग भी अपना चैनल के लिए एक प्रोफेशनल बर्नर क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लेना, आप लोगों को सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा। आप भी खुद से अपना स्मार्टफोन में अपने मुताबिक आप क्रिएट कर सकते हो प्रोफेशनल बर्नर चैनल के लिए। तो गाइस मैं हूं पूरी, तो आप देख रहे हो टेक्निकल पूरी। दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव या कुछ नॉलेजेबल लगे या कोई भी पार्ट वीडियो में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, डेफिनेटली कर लेना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल घंटे होगा उसको प्रेस करके ऑल पे कर लेना ताकि मेरा इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग फर्दर वीडियो मिलते रहता है। और एक बात गाइस, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो भी जरूर कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें प्रेस करो, आपको लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। तो दोस्तों जैसे कि यूट्यूब चैनल में सिर्फ अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड करने से होता है ऐसा नहीं है, आपका चैनल को भी प्रोफेशनल बनाना चाहिए। क्योंकि भाई जो भी बंदा, जो भी ऑडियंस आपका चैनल में विजिट करे तो विजिट करने से लेके उसको अट्रैक्टिव लगना चाहिए, जो भाई ये जो क्रिएटर है प्रोफेशनल क्रिएटर है चैनल से भी अंदाजा लगा सकता है। तो इस वजह से आपका चैनल को एक प्रोफेशनल बनाना है। काफी ऐसे नए नए क्रिएटर होंगे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता भाई चैनल का बर्नर कैसे क्रिएट किया जाता है या चैनल का थंबनेल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आज इसी वीडियो में आप लोगों को ये सारा कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप अपना चैनल के लिए एक अच्छे बर्नर क्रिएट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देखो, इजीली आप भी खुद से क्रिएट कर सकते हो। YouTube पर जो थंबनेल या बर्नर लोगो क्रिएट किया जाता है, दो ऐसे बेस्ट एप्लीकेशन होता है जिसके बारे में आपको पता ही होगा, जो एक होता है PicsArt और एक होता है PixLab। PicsArt के थ्रू आप चैनल का लोगो क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज जो बैनर होता है बना सकते हो, अदरवाइज YouTube थंबनेल जो होता है उसके लिए बेस्ट एप्लीकेशन PixLab एप्लीकेशन। लेकिन गाइस दोनों सेम है, आप PixLab में भी चैनल लोगो बना सकते हो, बैनर बना सकते हो, या PixArt में भी बना सकते हो, थंबनेल भी PixArt में बना सकते हो या PixLab में बना सकते हो, बट सबसे जो बेटर होता है PixLab, क्योंकि उसमें हाई क्वालिटी में थंबनेल को सेव कर सकते हो PixLab में। बट गाइस मैं आज जो चैनल बर्नर क्रिएट करना सिखाऊंगा वो PixLab एप्लीकेशन में, PixArt एप्लीकेशन में बनाना या क्रिएट करना नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि PixLab एप्लीकेशन बेस्ट होता है, इसमें आप चैनल का जो बर्नर है हाई रेजोल्यूशन में सेव कर सकते हो। तो गाइस अगर आप लोग अभी तक PixLab एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं करते हो तो वीडियो को पॉज करो, डायरेक्ट जाओ प्ले स्टोर पर, उसके बाद PixLab एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, देन आपको फिर YouTube पर आना है, वीडियो को प्ले करके वॉच कर लेना है क्या क्या प्रोसेस है। तो मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हो, मेरा जो बर्नर है कुछ यूनिक जैसा, मतलब इस तरह बर्नर मुझे जहां तक पता है YouTube पर किसी भी क्रिएटर का बर्नर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो बर्नर है मैंने खुद से डिजाइन किया है। हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगे, बट आप लोगों को अगर कैसा लगा मेरा चैनल का बर्नर कमेंट जरूर करना इस वीडियो का नीचे में। लेकिन गाइस आप लोग सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप इससे भी बेहतर बर्नर क्रिएट कर सकते हो, आप जैसे भी चाहो उसी तरह कस्टमाइज कर सकते हो। तो गाइस मैं सिंपल PixLab एप्लीकेशन में बात करने वाला हूँ, उससे पहले अगर आप बर्नर क्रिएट करना चाहते हो, मेरा बर्नर देख सकते हो, मेरा एक पिक्चर लगा हुआ है, उसका साइड में मैंने चैनल का नाम जो है दोनों तरफ में डिवाइड कर दिया। तो आप लोग अगर अपना चैनल के लिए जो बर्नर क्रिएट करना चाहते हो उसी में चैनल का लोगो डालना चाहते हो बर्नर में, या आप खुद का फोटो डालना चाहते हो, अदरवाइज अगर आप सोशल मीडिया का आइकन डालना चाहते हो, तो उसके लिए पहला आपको स्टेप फॉलो करना है, PixLab में नहीं जाना है, आपको पहले अपना बर्नर में आपका लोगो या आपका कोई पिक्चर डालना चाहते हो तो उसको पहले आपको PNG फॉर्मेट में सेव करना है। तो PNG फॉर्मेट में कैसे सेव करना है, अगर आप लोगों को नहीं पता है, कोई भी फोटो को थंबनेल के लिए काफी सारा फोटोज चाहिए होता है जो PNG फॉर्मेट में आपको करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो काफी जल्द आने वाला है, PNG फॉर्मेट में आप कोई भी फोटो को कैसे सेव करोगे, वो भी बेटर क्वालिटी बेटर तरीके से PNG फॉर्मेट में फोटो को सेव कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो काफी जल्द आने वाला है। तो उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज जाओ यार, इस वीडियो का नीचे में सब्सक्राइब मिल जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, प्रेस करना है, उसका बाद जो सब्सक्राइब बटन है वो सिंपल काला हो जाएगा। उसका बाद आप सोचना जो सब्सक्राइब हुआ, अगर काला नहीं होता है तो आपको सोचना यही है, आपको फिर से प्रेस करना होता है। तो गाइस
पहले आपको पीएनजी फॉर्मेट में सेव करना है। उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया का कोई आइकन डालना चाहते हो तो उसके लिए भी आप लोगों को सोशल मीडिया आइकन होता है उसको भी पीएनजी फॉर्मेट में सेव करना है। अभी बात यही आ जाता है सोशल मीडिया का जो आइकन होता है पीएनजी फॉर्मेट में कहाँ मिलेगा, तो ये सिंपल गूगल में मिल सकता है। आप कोई भी ब्राउजर में सिंपल सर्च कर दो सोशल मीडिया पीएनजी फॉर्मेट या पीएनजी, अब इतना लिख दो आपको बहुत सारा फोटोज दिख जाएगा, उसमें आपको पीएनजी फॉर्मेट वाला जो फोटोज है आपको इजीली डाउनलोड कर लेना है। तो ये सारा कुछ कंप्लीट होने का बाद आपको पिक्सलैब एप्लीकेशन ओपन करना है। आई होप आपका एप्लीकेशन अभी तक इंस्टॉल हो जाना चाहिए, अगर हो गया तो ओपन करो। मैं अभी पिक्सलैब में चला जाता हूँ। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो मैं पिक्सलैब एप्लीकेशन में आ गया। आने के बाद आप लोग देख सकते हो मैंने ऑलरेडी मेरा जो बर्नर है उसी से आप लोग को समझाने वाला हूँ। आप इसको फॉलो करके आसान तरीके से आप कोई भी बर्नर को क्रिएट कर सकते हो अपने मुताबिक, आप जैसे चाहो उसी तरह कस्टमाइज कर सकते हो। तो फिलहाल ये जो बर्नर का फ्रेम होता है, बर्नर का एक फ्रेम मिलता है, ये बेसिकली आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गूगल ड्राइव का लिंक, उसमें प्रेस करोगी तो आपको ईजिली मिल जाएगा, आप लोगों को एक फ्रेम मिलेगा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप गूगल में भी सर्च करोगी यूट्यूब चैनल बर्नर फ्रेम आपको मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो आप फ्रेम कुछ इस तरह देख सकते हो, फ्रेम का नीचे तरफ दो लाइन दिया हुआ है दो साइड में। बेसिकली ये जो फ्रेम होता है ना गाइस, ये फ्रेम स्मार्टफोन के लिए नहीं है, ये फुल जो फ्रेम होता है ये टीवी के लिए। उसके बाद सेंटर वाला जो लाइन है व्हाइट लाइन दिख रहा है ये बेसिकली डेस्कटॉप में। उसके बाद दो लाइन दिया हुआ है, दो लाइन का अंदर में करोगे तो स्मार्टफोन के लिए वो बर्नर जो है अच्छे खासे देखने को मिलेगा। इस वजह से मैंने दो लाइन आप लोगों को दिया जैसे कि आप लोगों को अंदाजा लग सके जो ये दो लाइन के अंदर में हम लोगों को जो कुछ भी करना है, जितना टेक्स्ट डालना है दो लाइन के अंदर में डालना है। तो अभी मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया, पहले तो देख सकते हो मेरा जो एक पिक्चर है उसको पीएनजी फॉर्मेट में सेव किया, उसके बाद पीएनजी फॉर्मेट में इसमें ऐड किया। कैसे ऐड करना है, सिंपल प्लस वाला एरो में प्रेस करो, फ्रॉम गैलरी मिल जाएगा, उसमें जाके आपका गैलरी में जो भी पीएनजी लोगो या आपका खुद का फोटो ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। ऐड करने के बाद मैंने इसका साइज जो रखा है आप लोग देख सकते हो, आपको उसी तरह साइज आपको फॉलो करना है। मेन जो होता है 16% मैंने इसका साइज रखा है, तो आपको इसका जो साइज है 60% रखना है। ये डिपेंड करेगा ज्यादातर फोटो का जो रेजोल्यूशन होता है उसी का ऊपर, अगर आप जो भी फोटो जो भी लोगो डालना चाहते हो उसका रेजोल्यूशन हाई या लो रहेगा तो उसी हिसाब से आप लोगों को परसेंटेज सिलेक्ट करना है। मतलब आपको व्हाइट जो लाइन है उसी का ऊपर जाना नहीं चाहिए, अंदर में रहना चाहिए। उसके बाद कुछ टेक्स्ट ऐड किया, जैसे कि मेरा चैनल का नाम जो है टेक्निकल फोरी, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, जैसे कि देख सकते हो टेक्नी डाला है एक साइड में, उसके बाद केल फोरी डाला है इस साइड में। इसका जो साइज है ये थोड़ा बड़ा किया, इसका साइज थोड़ा छोटा किया। तो टेक का जो साइज है इसका साइज मैंने कितना रखा है आप देख सकते हो, इसका 50% रखा है। उसके बाद केल पोरी जो है इसका साइज मैंने 60% रखा, 10% ज्यादा रखा, क्योंकि वो थोड़ा छोटा दिखना चाहिए ये थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। उसका नीचे में मैंने फॉलो ऑन सोशल मीडिया तो इस तरह मैंने एक डाला है, इसका साइज मैंने 40% रखा है। तो आप लोग उससे ज्यादा भी कर सकते हो या कम भी कर सकते हो, वो आप लोग का डिपेंड है, मिनिमम जो इतना आपको रखना है। उसके बाद मैंने पीएनजी फॉर्मेट में सोशल मीडिया आइकन कुछ दे दिया है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये तीनों का आइकन मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। तो इसका साइज भी मैंने लगभग 12% जैसा रखा है। तो आप लोग तरह पीएनजी ऐड कर रहे हो उसी का ऊपर आप लोगों को डालना है। उसके बाद इधर डाल दिया हूँ मैंने सब्सक्राइब 1 मिलियन कंप्लीट, मतलब जल्दी कंप्लीट करना है, आप लोग का ऊपर डिपेंड होता है गाइस, अभी जाओ सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया तो इस तरह मैंने डाला है। नीचे में टॉपिक्स डाला है मेरा कौन सा कैटेगरी का चैनल, जैसे कि टेक अर्निंग या यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड, आप लोग जो भी कैटेगरी है उसी से थोड़ा मेंशन कर सकते हो। इसमें मैंने इस तरह डाल दिया है, डालने के बाद इसको मैंने सेव में प्रेस किया, उसके बाद सेव इमेज में प्रेस किया, उसके बाद कस्टम में प्रेस किया, हाई क्वालिटी में प्रेस करने के बाद मैं सेव टू गैलरी में प्रेस कर दिया। तो इसी तरह आप भी सेव कर सकते हो, बट आप इससे भी बेहतर बना सकते हो। अभी आप लोग ये भी सोच रहे हो जो आपने व्हाइट कलर का फ्रेम बनाया बट मैं चाहता हूँ कुछ अलग कलर ऐड करना, तो आप इजीली कर सकते हो, प्रेस में प्रेस करो, उसके बाद गैलरी में जा सकते हो, आपका जो भी कलर अगर गैलरी में है गैलरी में जा सकते हो, अदरवाइज जो ट्रेंड मिल जाता है उसमें प्रेस करके इसमें बहुत सारा कलर मिल जाता है, जो भी कलर मैं चाहूँ तो रेड रख सकता हूँ। तो इसको आपको एडजस्ट कर लेना है, एडजस्ट कर लेने के बाद आप देख सकते हो मेरा जो बर्नर है ऑलरेडी रेड कलर में हो गया। अभी इसी के ऊपर आप एडिट कर सकते हो, मैंने जिस तरह बताया, इसीलिए मैंने लाइन जो दोनों मार्क दिया है नीचे का तरफ दिया है ताकि ऑडियंस अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सके। तो आप लोग फ्रेम को इजीली आप गूगल में डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज मेरा डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, उसमें प्रेस करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो और अपना चैनल के लिए एक बर्नर क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो मैंने प्रोसेस दिखाया पिक्सलैब में उसी तरह फॉलो करके बना सकते हो। आप लोग ये भी सोच रहे हो जो टेक्स्ट का जो फॉन्ट स्टाइल मैंने दिखाया वो स्टाइल कुछ यूनिक है, पिक्सलैब में नहीं है, तो गाइस
उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप लोग आई बटन में जाओ, वीडियो मिल जाएगा, उसमें प्रेस करके आप इजीली देख सकते हो पिक्सलैब जो एप्लीकेशन होता है उसमें अनलिमिटेड फ्रंट स्टाइल्स को कैसे ऐड करोगी, उसमें आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएगा। उस वीडियो को देखोगे तो आप पिक्सलैब में इस तरह फ्रंट स्टाइल्स को ऐड कर सकते हो, उसके बाद आप पिक्सलैब में जाके चैनल बनर, चैनल लोगो कुछ भी बना सकते हो, थंबनेल के लिए भी टेक्स्ट स्टाइल जो होता है अनलिमिटेड ऐड कर सकते हो पिक्सलैब में। उस वीडियो को जाके देख लेना, आप लोग आसानी से समझ जाओगे। तो गाइस यही कुछ छोटा सा एक वीडियो था जो चैनल बर्नर के लिए, काफी ऐसे क्रिएटर होंगे जिन लोगों का चैनल का बर्नर ही बिल्कुल नहीं है, तो अब इस वीडियो को देख के आसानी से आप भी क्रिएट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में पिक्सलैब एप्लीकेशन में चैनल का बर्नर, वो भी हाई रेजोल्यूशन में, हाई क्वालिटी में, प्रोफेशनल तरीके से। आप मेरे से भी बेहतर तरीके से आप चैनल बर्नर क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, या वीडियो में कौन सा पार्ट आप लोगों को बेटर लगा या अच्छा लगा कमेंट जरूर करना। चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को मास्टली सब्सक्राइब करना, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो भी जरूर कर लेना। तो गाइस चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।